बीबी के साथ बदलते भारत की शान। राजस्थान बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण इस जगह का अपना एक विशेष महत्व है। ये शहर ही अपने आप में अलमस्त है। अलमस्त इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बेफिक्र होकर अपना जीवन यापन करते हैं और ये है यहाँ की प्रसिद्ध रावतूणकरण झील। ये झील यहाँ की पहचान है। यहाँ कभी नमक ही नमक हुआ करता था। इस झील की खूबसूरती को बढ़ाते हैं यहाँ उड़ते हुए परिंदे, झील का बहता पानी। उड़ते परिंदे यह संदेश देते हैं कि जीवन चलने का ही नाम है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का नाम है, जीवन में लगातार आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली ऐसी ही एक स्वावलंबी महिला का नाम है भंवरी देवी। ऐसे गांव में नहीं पढ़ाई पहली, बचपन ही ऐसा ही आ, माँ बाप ही सोच नहीं है, खेत बाया तो खेत में रिया, बिरा ने काम करिया, नेरी का काम करिया, खेत बाड़ी रहा, कणक छोला मूंगफली का ये करिए, उसमें दिमाग ज़्यादा चलिया, पढ़ाई में कम चलिया, ना माँ बाप की सुविधा करी। ये है लूणकरणसर का पूरा इलाका। यहाँ भी महिला स्वावलंबन का सूर्योदय हुआ है। यहाँ भी विकास की नई रोशनी पहुंची है। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के चेहरे पर आत्मविश्वास और कुछ करने का जज्बा साफ देखा जा सकता है। खेलते कूदते बच्चे और बूढ़ी महिलाएं लूणकरणसर के अतीत और वर्तमान के प्रतीक हैं। 1974 में भंवरी देवी का जन्म हुआ। जामसर में, पहले तो जामसर में रह गया, अब मम्मी पापा बीकानेर चल गए। शादी तक तो क्या परेशानी नहीं, मम्मी पापा के पूरा साथ देता, सपोर्ट देता, खेती का सामता है, यही काम है पुराना, और क्या काम है मेरे लिए, और कुछ नहीं काम है। तो भाई बहन छोटा, मम्मी पापा की सपोर्ट कौन है, जब मैं बड़ी सबसे तो मैंने सपोर्ट करा उनके लिए, काम के लिए थोड़ा और। लूणकरणसर की रहने वाली भंवरी देवी ने अपनी मेहनत से अपने जीवन को नई दिशा दी, महिला स्वावलंबन की नई मिसाल पेश की है, दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं था। परेशानियां हमेशा से ही उनके साथ रहीं। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली भंवरी पढ़ लिख नहीं पाई। वह साक्षर है लेकिन जीवन में कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। ऐसे खुला ये दीवारों पर गारा देती और करती, सारी मेहनत करती, तो ये धीरे धीरे करती करती ये दिमाग में आ गई कि ये काम करना है अपन। तो एक दो प्लेट बनाई, कोई कस्टमर आया दिल्ली से आया और आया तो खरीद के ले गया बाहर। बस मेरे बच्चों ने, मेरी लड़की ने बहुत सपोर्ट करी, सलमा ने। मम्मी ने मेरे से कभी घर का काम नहीं करवाया, ना मैंने कभी किया, बस मम्मी और पापा मेरे भाई सब मिलके यही काम करते हैं, पेपर मेशी का। तो फिर मैं पेंटिंग करती हूँ और मेरे भाई पापा और ये माल रेडी करते हैं, पेपर मेशी का नेम प्लेट को गला के एक बार को भिगो के। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था।
भंवरी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी उसे कहां ले जाने वाली है। अभी वह कुछ सोचती थोड़ी बड़ी होती। इससे पहले ही छोटी उम्र में ही भंवरी का विवाह हो गया। जो अरमान थे वह धीरे धीरे दम तोड़ने लगे। वो परेशानी तो बहुत ही देखी सर मैंने। ऐसे परिवार का तो गरीबी ही ज्यादा नहीं है, पैसे और कुछ नहीं, तो खेती बाई यहाँ पे आके खेती बाली। मुख्तार जी टेलर का काम करता, तो इतनी सोच नहीं है उनकी। तो उर्मल में रहते रहते बेचारा कोई गरीब होता और होता, हरी है बीमारी, किसी के साथ में चाहता, हॉस्पिटल में रहता 15-15 दिन, 10-10 दिन तक। तो मेरी सुविधा कम है, मेरे सासू ससुरा हा, तो उनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, तो मदद कम ही थी। भंवरी की शादी तो हो गई, लेकिन वह एक ऐसे घर में ब्याही गई जो खुद गरीबी से जूझ रहा था। भंवरी के पति कोई नौकरी नहीं करते थे, बस अपने गांव में ही छोटे मोटे काम किया करते थे। घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। चादर छोटी हो रही थी और परिवार धीरे धीरे बड़ा। देखते ही देखते भंवरी 4 बच्चों की मां बन गई। परिवार बढ़ा तो आर्थिक तंगी भी बढ़ने लगी। कैसे जीवन गुजारे, कैसे बच्चों की परवरिश करे, भंवरी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो कुछ नहीं आया, कच्ची साड़ी, बच्चे भी छोटे छोटे ही। तो मुख्तार जी टेलर का काम करता, तो कुछ नहीं होता, घर पे आटा भी नहीं आता, खाना भी नहीं मिलता पूरा है। तो थोड़ी थोड़ी ये काम चलने से तरक्की खा गए मुख्तार जी, खुद ही खा गए, हम ही खा गए, बच्चे भी जवान हो गया। अब बच्चे भी साथ देने लगे, 3 लड़का है 1 लड़की है, मदद पूरी करता है बच्चा भी साथ में। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी पहले बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी समझ लो या थोड़ा लोगों की सेवा भाव करने का मेरा दिल में शौक था। तो बिगर इनकम घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही मालियात ठीक नहीं थी। तो भंवरी जी ने ये काम, इनकी कला है, उस कला के साथ भाई चलो मैंने मदद तो की, मगर इनकी कला बहुत काम आई। तो आज हमारी भंवरी जी की कला की वजह से हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति थी, हम मजबूत हुए हैं। मैं और पापा शुरू में शुरुआत हमने की थी, पापा ने और हमने दिल्ली जाना शुरू किया। धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ा, फिर संपर्क बना किसी से, फिर ऐसे करके बाजार मिलना शुरू हो गया। और मेरी मम्मी और फिर सभी काम करते हैं इसमें। सबसे पहले मम्मी ने ये काम चालू किया था तो थोड़ा संक्षेप में था, उसका विस्तार नहीं हुआ था। तो मार्केट में लेके गए तो काफ़ी परेशानी हुई मम्मी को। फिर मम्मी ने उसको सोचा कि एक इसको ग्रुप बना के लोगों को एक रोज़गार दें और उनके मदद से हम काम को फैलाएं उसको। भंवरी देवी अब घर नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन घर में वह पर्दे में रहती और बाहर निकलने की इजाजत उसे नहीं थी। ऐसे में वह हमेशा सोचती कि क्या करें। लेकिन एक दिन भंवरी ने अपने बच्चों की बेहतरी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए घर की जंजीर को तोड़ने का फैसला किया, खुद को स्वरोजगार से जोड़ने का हौसला दिया। ये बाहर निकल लगी तो यहाँ काम जान पहचान होगी, लड़की के साथ में होगी, उनके पापा के साथ में होगी, तो दिल्ली में और मैं तो यहाँ तक लोग पहुँच गए आके। तो यहाँ सामान देखते भी कैसे बिनाओ कैसे नहीं, तो बस सब तरीका बिनाया देखा, तो आगे काम बढ़ने लग गया। हमारे मकान जो कच्चे थे तो भंवरी जी के हाथ में जो मारना, जो पेंटिंग का मतलब कला थी, गोबर, गाय के गोबर से घर को नीपना और घर को बहुत अच्छा रखते थे। तो इनके जो मारने की जो कला थी वो बहुत अच्छी थी। तो मेरे यहाँ कुछ लोग आए तो उस कला को देख के बोला कि इसको आप बाज़ार में लेके जाओ तो आपका अच्छा आपका बिजनेस हो। तो हमने सोचा नहीं ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो फिर हमने बच्चों के साथ श्रीराम स्कूल है, पहले हमें वहाँ से मौका मिला श्रीराम स्कूल में। जो पेपर में काम है ये जैसे बनाते हम खुद, तो मम्मी और बनाती है, तो हम सब मिलके ही बनाते हैं। गांवों और
पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भंवरी ने फैसला तो कर लिया कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है यह सवाल अब भी उसके सामने खड़ा था। लेकिन जब हिम्मत और हौसला हो तो हर सवाल का जवाब इंसान को मिल जाता है। भंवरी को भी सवाल का जवाब मिला पेपर मैशी का काम शुरू करके। ऐसे दिमाग में बाहर देख के आया, थोड़ा बहुत देखे, हाथ का मेहनत आदमी धीरे 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 देख के सीख गए। सीखने से हमारे को सबको ही रुचि लग गई पेपर मैशी की, तो बच्चों ने मेरे पति को बहुत परेशान दे के ये काम पूरा सीख गया। खुद का काम फिर स्टार्ट कर लिया, तो मुझे मेहंदी का, कढ़ाई का, सिलाई का, इस चीज़ों में मेरा शौक था। तो मैंने जैसे पढ़ाई से हटकर मैंने इसी में माइंड लगा लिया कि मुझे यही काम करना है। तो पापा बोल रहे मेहंदी तो आती है, तो फिर हम खुद का ही काम कर लेते हैं। तो उसके वजह से फिर पेंटिंग मैंने स्टार्टिंग कर ली और पापा का यह काम आगे किया, स्टार्टिंग की। फिर दिल्ली जाना शुरू कर दिया, तो दिल्ली जाने लग गए, बेंगलोर ही, चेन्नई, सब बाहर जाने बाद में ये सामान लेके गया, नहीं लेने से लोग खरीदने लग गए तो पैसा आने लग गया। अच्छा, तो अच्छा काम भी शुरू हो गया, घर का, बाहर का, सब का। मेरे मम्मी ने मेरे को काम बहुत बढ़िया सिखाया है पेपर मैच का, जो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरे को घूमने का शौक था, तो इसी काम के जरिए मैं भारत के विभिन्न जगहों पर अपना प्रोडक्ट बेचा, प्लस उनकी आइडिया से मैं घूमा। भारत के तकरीबन ज्ञानी जाने माने लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने इस काम को बहुत ज़्यादा सराहा और पसंद भी किया और बहुत सारी प्रशंसा हुई इस काम के लिए। एक नई उम्मीद और विकास अब जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे भंवरी ने काम को करना शुरू कर दिया। बड़े हो रहे बच्चों ने भी इस काम में अपनी माँ का साथ दिया। भंवरी को उसकी मंजिल का रास्ता मिल गया। वह मेहनत और लगन से पेपर मैशी का काम करने लगी। उसको तो मैं मेला में इकट्ठी करके मीटिंग करी, मीटिंग करके साथ में तो काम जोड़े है, उनको दिया, ज्ञान दिया उसको, तो उसको ज्ञान देने से, काम करने से पैसे आने लगे, तो उनको अपना आप ही रुचि मिल गई। जो पेपर मैशी का काम है ये जैसे बनाते हैं हम खुद, तो मम्मी और बनाती है, तो हम सब मिलके ही बनाते हैं। तो फिर मेरी मम्मी बहुत मेहनती है और पापा और सब मेहनती है, सारे मेरे भाई और मिलके सब साथ में ही करते हैं काम। बोलते हैं ये काम सबसे हटकर अलग ही है राजस्थान का। और पहले जैसे कि ये जो हमारा पेंटिंग का काम है ना, जो राजस्थान में कच्चे घर थे उन पे ये डिज़ाइन बनाते थे औरतें, तो फिर इसको हमने नया कुछ करके फिर दिल्ली स्टार्टिंग किया। दिल्ली में तो बहुत लोगों को पसंद आया, तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, सबसे हटकर है, हाथ की कला है। तो कहते हैं कि आपका परिवार बहुत अच्छा है कि सब मिल के साथ में आप करते हो, अभी भी साथ में हो, तो अच्छा ही बताते हैं काम के लिए। तो पेपर मेशी एक प्रसिद्ध कला है। कागजों को पानी में गलाकर उसकी लुगदी तैयार करके उसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करना पेपर मैशी कहलाता है। बड़े बड़े शो पीस पेपर मैशी से बनाए जाते हैं। भंवरी ने भी इस काम में अपना भविष्य बनाने का निर्णय ले लिया। वह सुबह से ही इस काम में लग जाती। वह कागज को पानी में डालती, उसे गलाकर पानी के बाहर निकालती, उसे कूटती, उसकी लुगदी बनाती और एक जगह से दूसरी जगह भेजती और फिर लुगदी से तैयार होती तरह तरह की चीजें। मैं ऐसे करती हूँ, पेपर को पहले पानी डाल देती हूँ, फिर बाल्टी में ला के पेपर कटिंग करके भिजो देती हूँ, रात को भिजोती हूँ, सुबह उठ के उसको कूटती हूँ, कूट के मेथी में मिला के कूट, बाद में प्लेट बांधती है, प्लेट बांध के सामान बनाती हूँ। तो मेरी बीवी वैसे किसी भी काम के अंदर मतलब बहुत मजबूत है। मेरा जो सपोर्ट है वो मेरी बीवी है, मेरी जो ताकत है वो मेरी बीवी है, ठीक है।
तो मेरी बीवी ने बहुत मदद की है हर काम को लेके। हमें स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे पास प्रोडक्ट कम थे, तो पेपर में इसके ठाठिया वगैरह ये थे, तो कुछ जगह हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो क्यों मम्मी ने फिर आइडिया बनाया कि इतने से प्रोडक्ट से तो कुछ नहीं होगा, तो मम्मी ने फिर इस पर थोड़ा रिसर्च करके इस पर पेन स्टैंड, नेम प्लेट, वॉल हैंगिंग्स, मिरर, वॉच इत्यादि मतलब बना के एक नया मतलब पेपर में इसको एक नया रूप दे के मार्केट में पेश किया। तो उसके बाद मम्मी के जो आइडिए थे वो काफ़ी हद तक मशहूर हुए और काफ़ी अच्छी बिक्री होने लगी प्रोडक्ट्स में। लुगदी को पानी में गलाकर जैसे भंवरी देवी नई नई चीजें बना रही थी, वैसे ही अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी भी संवार रही थी। जब भंवरी ने पेपर मैशी का काम शुरू किया तो पति ने भी उसका साथ दिया। पति मुख्तियार ने बीकानेर जिला हस्तकरघा केंद्र से संपर्क किया और उसकी मदद से भंवरी के काम को आगे बढ़ाया। जब दिल्ली में मार्केट पकड़ा, बाहर बॉम्बे दिल्ली में, तब एक आदमी तो काम नहीं कर सकता, फिर ग्रुप के साथ समूह के साथ काम करना पड़ता है। तो भंवरी जी ने काफ़ी महिलाओं को और तैयार किया कि भाई आप इससे पैसा भी आएगा और आप ये काम करो और आपकी पहचान भी बनेगी। तो इस तरीके से मतलब भंवरी जी ने महिलाओं की मदद भी की और भंवरी जी ने काफ़ी महिलाओं को समझाया भी कि भाई करो काम, तो लोगों के हाथों में हुनर है मगर उनको पहचानने वाला कोई नहीं है। मगर भंवरी जी ने लोग महिलाओं को पहचाना, लोगों को मतलब भंवरी जी ने उनको मौका दिया। हर रात के बाद सवेरा होता है, भंवरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बात बनाने वाली महिलाएं अब धीरे धीरे भंवरी से जुड़ने लगी। पेपर मैशी के काम से होने वाली आमदनी के बारे में जब गांव की महिलाओं को पता चला तो वह भी प्रेरित हुईं। उन्होंने भी फैसला किया कि वह भी पेपर मैशी का काम करेंगी, अपना और अपने परिवार का सहारा बनेंगी। सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से खाना मिल रहा अभी नहीं, पहले तो बहुत हम तो दिक्कत देखी थी इस बात से, और अब जाके थोड़ा थोड़ा अच्छे से काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा सीखा है उस इसने, जैसे महिलाएँ आते हैं ना तो वो सीख के जाती है इस घर से, और इसको बोलते भी है भाई चलो आप बाहर चलो, ऐसे धंधा बहुत सारे धंधा है, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे धंधा है, कैसे ही कर सकते हो, कोई सिलाई का, बुनाई का, ये पेपर मैशी का चालू है तो, और बहुत सारी सपोर्ट महिलाओं ने की। देखो महिला की रुचि तो है कमाने के लिए, मेला भी जुड़ी है साथ में, तो हम ही कोशिश करिए, मेला भी करी है, सब कोशिश करके मिलके करिए, तो सपोर्ट उनका ही है, मेरा दोनों का ही है सपोर्ट सर। नहीं आज मौरी जी ने उनकी मदद की तो उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति सोच बढ़ा, तो स्कूल में बच्चों को डालने लग गए, और आर्थिक स्थिति क्योंकि घर बैठे 3-4 हज़ार रुपये लमसम कमा लेते हैं, तो बदलाव तो बेसिक आएगा ही, बदलाव तो आएगा ही, पैसा जब आएगा तो बदलाव भी आएगा। पहले की स्थिति लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि पैसे नहीं थे, तो उनको बहुत जीवन यापन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब उनको एक नया रोजगार मौका दिया है तो उन्होंने वो अपने पैरों पे खड़ी होकर मतलब अच्छी तरह से घर चला लेती है वो, और अपनी मालिक मर्जी के मालिक हो गए वो। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी। गरीबी और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं के जीवन में पेपर मैशी का काम नई उम्मीद लाया। उदास चेहरों पर खुशी नजर आने लगी। यह महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से अपने अरमानों को पूरा करने में लग गईं। तब से यह काम स्टार्ट किया है तो मेरे और जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी मदद मिली है, उनका जो जीने का तरीका है वो बदल गया है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी ये महिलाएं अब अपने क्षेत्र के विकास को नया आकाश दे रही हैं। इस समूह की महिलाओं का उद्देश्य केवल कमाना ही नहीं है, बल्कि पेपर मैशी के हुनर और कारीगरी को जन जन तक पहुंचाना भी है। महिलाओं को अब बाहर निकलना सिखाया तो अच्छा काम है। मेला भी अपने हाँ घर से बाहर निकलने तो सही काम है, अच्छा काम करी मेला भी, उसको भी हक है। जैसे भंवरी जी काम करिए तो आप भी करो, काम काम में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी फुल सपोर्ट है। और घर के लोग ऐसे नहीं बोल रहे भाई क्यों कर रहे हो काम, अब भंवरी जी को देख के ना सभी कह रहे मेला जितनी है जितनी काम करो। यहाँ की औरतें नहीं निकलती है बाहर, ना लड़कियाँ निकलती है ना, और ना इतनी लड़कियों को राजस्थान में पढ़ाई कराते हैं। और लड़के में और लड़की में थोड़ा अंतर रखते हैं कि भाई लड़का ही फर्स्ट है और लड़की घर के अंदर रहे, काम करे और ससुराल में भी काम करे, तो उसके वजह से लड़की को इतना बाहर नहीं निकलने देते। औरतें वो कहती है कि भाई हम जो भी काम है घर में कर लेंगे, लेकिन बाहर कहीं नहीं जाएंगे। इन महिलाओं ने अपनी हिम्मत, लगन और निरंतर संघर्ष करते हुए यह कामयाबी हासिल की है। इन महिलाओं ने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। अपने इन्हीं गुणों की बदौलत इन्होंने सफलता की राह तय की है। आज यह तमाम महिलाएं पेपर मैशी के काम से अपने बच्चों को रोटी और अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। जितनी भी औरतें आस पड़ोस में जैसे जानकार है तो उनके पास में काम नहीं है तो घर पे बुला के फिर काम सिखाते हैं, फिर उनको ये तरीका बताते हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, तो वो औरतें सारे घर पे ही आके काम करती है। और उनको जैसे जितना भी पैसे देते हैं वो उतना दे देते हैं जितना काम करते हैं, काम पे होता है। पैसा आने तो सब लोग पाबंदी तो हटाते हैं, सब तो खुलापन दे दिया सबको, कभी जाओ कमाओ फिरो सेरम। हमारे पर तो मुख्तियार जी कभी नहीं कंट्रोल करिया। नहीं, महिलाओं को तो ऐसा है कि आज जो दो दौर है, अब दौर ऐसा हो गया कि अब गांव भी बदल रहे हैं, गांव भी शहरों की तरह सोच बदल गई है। तो अब पैसा कमाना तो एक आदमी की, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, वो एक मजबूरी होगी। तो मैं तो महिलाओं को ये कहता हूँ कि भाई अब वो घूंघट वाली जो प्रथा है वो छोड़ के और अपने पति का साथ दीजिए। अपने हाथ में बहुत सारी औरतों के हाथ में कला है, मगर उस कला को निखारने वाला कोई नहीं मिलता है। तो बोरिजस जी महिला अगर उन लोगों को मोटिवेट करेगी तो वो पैसा कमाएगी तो घर में परिवर्तन अपना आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन महिलाओं ने अवसर को पहचाना और उसे पाने में लग गई। देखते ही देखते इन्हें सफलता मिलने लगी और आज यह सब गर्व से कहती हैं कि हम पेपर मैशी काम से जुड़े हैं, हमारे काम का सही मूल्यांकन हो रहा है और हमें नया आत्मविश्वास दे रहा है। लूण करणसर में भंवरी देवी और उसके परिवार के साथ यह महिलाएं भी सुबह से ही पेपर मैशी के काम में लग जाती हैं। मैश किए हुए पेपर को आकार दिया जाता है, पेन होल्डर, वॉल हैंगिंग, टेबल, बकेट, कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, सबको रंगा जाता है। मतलब अब पेपर मैशी का काम इनके भविष्य को संवार रहा है, इनके सपनों में नए रंग भर रहा है, इन्हें जीने का नया रास्ता दिखा रहा है और यकीनन इन सब की प्रेरणा बन रही है भंवरी देवी। उसके तो आगे हम बढ़ाएगा तो मेरा बच्चा भी बढ़ाएगा, साथ आगे बढ़ेगा, बहू भी बढ़ेगी, बेटा भी बढ़ेगा, काम करेगा सब मिलके। गांव की महिलाएं मम्मी के बारे में पहले तो अच्छा नहीं सोचते थे, लेकिन अभी अच्छा सोचने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुकाम पाया है, लोगों को लेके रोजगार का अवसर दिया है, तो लोगों के मन में एक अच्छा सा फील आने लग गया कि इन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। अब जो भी है इनके पास में कोई चीज़ की कमी नहीं है, काम भी अच्छा चल रहा है। और जैसे भाइयों की और मेरी और शादी की तो बहुत अच्छे से की, तो लोग समझते हैं कि जो भी है इनका इस काम के वजह से है, जो नेम प्लेट और वो पेपर मैशी का काम है, मानना पेंटिंग, तो सोचते हैं कि ये काम हम भी करें और हम भी बाहर जाएं आगे बढ़ें। तब से ये काम स्टार्ट किया है तो मेरे और जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी मदद मिली है, उनका जो जीने का तरीका है वो बदल गया है, काफ़ी हद तक अपने आप पर वो मजबूत हो गए हैं वो लोग।
भंवरी देवी की देखरेख में परिवार और महिलाओं ने इस काम को बढ़ाया, उसे बाजार तक लेकर गईं और डिजाइन की हुई चीजों का आज उचित दाम मिल रहा है। इनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। बनाए गए शोपीस को आधुनिक तरीके से तैयार किया जाता है ताकि देखने वाले को वो आसानी से पसंद आए। पहले तो कम पैसा मिलती है, अब ज्यादा पैसा मिलती है, तो कंट्रोल अच्छे लोग आते हैं तो 30-30 हज़ार के, 20-20 हज़ार के ऐसे खरीद के बड़े चीज़ें भी, शीशा भाई हर चीज़ दिल्ली में बड़े बड़े सामान बनाते हैं, दीवारों पे बनाते हैं, सब बनाते हैं। भंवरी देवी की ये सफलता कथा किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। वह आज भी पूरे समर्पण के साथ अपने काम में लगी है। भंवरी देवी जानती हैं महिला स्वावलंबन के रास्ते अपनी मेहनत लगन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं और भंवरी देवी इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं ताकि लूण करणसर की हर महिला कह सके, महिला स्वावलंबन एक कदम विकास की ओर। कोई ऐसा एरिया नहीं है कि हम ये कह दें कि ये एरिया गर्ल्स का है या ये बॉयज का है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। अगर आदमी शेफ है तो औरत फार्मर भी है।